कांग्रेस के कॉर्पोरेटर और इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर इसलिए यही इकट्ठे हुए हैं कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पास की थी, लेकिन बड़े श्रम से कहना पड़ता है कि इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। कम से कम जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ही छुट्टी पास कर दो, छुट्टी दे दो। सिर्फ युवा रायपुर सभा ने जो भाई हमारे वहां आंदोलन कर रहे हैं, सिर्फ उनकी जिम्मेवारी नहीं है। महाराजा हरि सिंह जी ये जम्मू कश्मीर के राजा थे, हम सबका फर्ज बनता है कि उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाए, उनके जन्मदिन के ऊपर छुट्टी हो। आज सत्ता में है, ये लोग सत्ता में आए इसलिए थे कि इन लोगों ने कहा था कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जम्मू वालों को देंगे, लेकिन इन लोगों ने नहीं दी। आज क्या आपने 370 इसलिए तोड़ा था? क्या आपने हमारी हस्ती खेलती स्टेट को इसलिए छीना था कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपनी बात मनाने के लिए इस तरह सड़कों पे बैठे? हमने क्या करनी है ऐसी स्मार्ट सिटी, ऐसे स्मार्ट मीटर जो 500 रुपया किसी गरीब व्यक्ति का बिल आता था, आज 2000 आने को आ गया। लाखों लाखों रुपए बिजली के बिल है, माफ नहीं हो रहे। गलियां नालियां और नाले बनाने के लिए हमें पैसा नहीं मिल रहा। हमने ऐसी स्मार्ट सिटी को क्या करना है? बीपीएल के कार्ड बंद कर दिए, पेंशन बंद कर दी। अब नया जुमला कहते हैं कि जिसको बीपीएल का कार्ड होगा उसी को पेंशन होगी। 2 घंटे की बारिश में लोगों के घरों में पानी आ गया, उसका मुआवजा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देगी? डिफकॉम देंगे? डीसी देगा? कौन देगा? जो एडमिनिस्ट्रेशन देगी एलजी की। जो गरीब व्यक्ति ऑटो चलाता है, मेटाडोर चलाता है, डेड़ी लगाता है, दुकानदार जिसका फर्नीचर खराब हो गया, उसको मुआवजा कौन देगा? क्या ये स्मार्ट सिटी वाले देंगे जो 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ का एक वर्टिकल गार्डन लगा रहे हैं, 11-11 करोड़ की लाइटें लगा रहे हैं और साइकिलें लगा रहे हैं, क्या ये लोग देंगे? स्मार्ट पार्किंग कर रहे हैं, हमने क्या करनी है स्मार्ट पार्किंग को? 9 करोड़ का स्कैंडल स्मार्ट ये स्ट्रीट लाइटों के ऊपर, 8 करोड़ का स्कैंडल। आप देख सकते हैं कि जम्मू शहर की सभी स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। इसलिए हम क्या चाहते हैं, हमारे सभी कॉर्पोरेटर्स, इंडिपेंडेंट और कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स बड़ी जिम्मेवारी के साथ, बड़े दुख के साथ स्थायी हुए यहाँ पे बैठे हैं अपनी बातें मिलाने के लिए। भैया एक तो पहले तो आपको बताऊँ, नाम मेरा जितेंद्र सिंह। स्मार्ट सिटी की क्या बात बताएं, आपने देखा ही है आधे घंटे की बारिश में जम्मू का क्या हाल हुआ है। लोगों के घरों में पानी घुस गया, लोगों का फर्नीचर खराब हो गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। इस गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया इन गरीब लोगों के लिए। आज स्मार्ट सिटी की बात करें, स्मार्ट सिटी क्या है? जयपुर ब्रिज बनने से स्मार्ट सिटी है? जहाँ ये जो गार्डन वगैरह बना रहे हैं इसको स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं? मोहल्लों में जाओ, मोहल्लों में देखो लोगों के, लोग कैसे, आप मेरे बख्शीनगर में आ जाइए, वार्ड नंबर 27, वार्ड नंबर 28 में आके देखिए, वहाँ पे हमारा रहना मुश्किल हो गया। इतनी ज़्यादा क्लिनिक बन रहे हैं, कि जबकि एलजी साहब को भी मैंने लेटर डाली, कमिश्नर साहब को खुद जाके मिला, कम से कम 10 लेटर डाली कमिश्नर साहब को। कमिश्नर साहब जे जहाँ के बख्शीनगर गुलाम मोहम्मद बख्शी साहब ने क्वार्टर लाट किए थे 1947 में, जो रिफ्यूजी अपने पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए थे उनको क्वार्टर लाट हुए थे, वहाँ पे इतनी इतनी बिल्डिंग क्लिनिक बन रहे हैं, बाहर कोई पार्किंग नहीं, हमारा तो रहना दुश्वार हो गया इस स्मार्ट सिटी में। हम बोलते थे जो जैसे भी पहले सिटी है वैसे ही रह जाए तो चाहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसी स्मार्ट सिटी। बुरी हालत है गलियों की, बुरी हालत है रोडों की, ये स्मार्ट सिटी है? आपको एक चीज़ बात और बता दूँ, वो बख्शीनगर जो है वो है कमर्शियल एरिया नहीं है, वो रेजिडेंशियल एरिया है। रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो रही है, मैं पर्सनल कमिश्नर साहब को मिला, एक बार नहीं को 3-4 बार मैंने लेटर भी दिए, गुरुद्वारा साहब के पास इनक्रोच हो रहा है लोगों का, इतनी इतनी पार्किंग, हर रोज कोई ना कोई ऐसा दिन नहीं होता जब एक्सीडेंट नहीं होता, एक दो एक्सीडेंट होते हैं। आप वहाँ से गुजरें, छोटा बच्चा नहीं क्रॉस कर सकता, बुजुर्ग लोग नहीं पार कर सकते, इतनी ज़्यादा बुरी हालत है वहाँ बख्शीनगर वार्ड नंबर 27 और वार्ड नंबर 28 की। हम लोग तो इतने मुश्किल में हो गए हैं कि लेटरें डाल के भी म्युनिसिपैलिटी में लेटर कमिश्नर साहब को दे रखे, कमिश्नर साहब देखो ये क्या बन रहा है, कोई पार्किंग, पब्लिक की कहीं सुनवाई नहीं हो रही, पब्लिक की कोई किसी जगह भी सुनवाई नहीं हो रही जी। आप पब्लिक की बात, मैं इंडिविजुअल अपनी बात बताता हूँ कि मैं कम से कम 10 बार कमिश्नर साहब को मिला हूँ, 10 से भी ज़्यादा लेटर दिए मैंने कमिश्नर साहब को, म्युनिसिपैलिटी में लेटर दिए, ये देखो कैसे बिल्डिंगें बन रही हैं, इनका कोई नक्शा कोई पास है कुछ है? हाँ जी सब कुछ पास है। बख्शीनगर में एक बिल्डिंग बन रही है, वो गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटी ने सील की हुई है,
सील करने के बावजूद भी उसका काम आज तक चल रहा है। बक्सीनगर 278 मकान नंबर है, उसके ऊपर रेजिडेंशियल, नीचे कमर्शियल बना, ऊपर रेजिडेंशियल बना उनका था, लेकिन वहाँ पे भी कमर्शियल बन गया। पूरा बक्सीनगर इन्होंने कमर्शियलाइज कर दिया कि जबकि हमारे लोगों का रहना वहाँ पे मुश्किल हो चुका है।